किमोनो की कटिंग करेंगे। और किमोनो में होता क्या है कि इसमें अलग से बाजू नहीं जोड़ी जाती है, इसमें शोल्डर से एक्सटेंड करके बाजू इसी में निकाली जाती है। तो ज़्यादातर इसमें शॉर्ट किमोनो, फुल स्लीव भी किमोनो निकालते हैं। फुल स्लीव किमोनो निकालने के लिए सेंटर में हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना पड़ता है, ये ऑन फोल्ड है, ये हमारा कपड़ा ऑन फोल्ड रहेगा, सेंटर ये ऑन फोल्ड हो जाएगा। इसको कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना, फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को सेपरेट कर लेना और पैटर्न को इस तरह से बैठाना। पैटर्न हमारा ये सेंटर लेंथ ऑन फोल्ड है, ये हो गया नेक, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया स्लीव ओपनिंग, ये हो गया साइड और ये हो गया बॉटम। बॉटम में इसमें लूज होता है तो एक और एक्सटेंशन इसमें जोड़ सकते हैं, जो नीचे शेयरिंग करके बॉबिंग इलास्टिक से शेयरिंग करके इसमें ऐड करते हैं, तो इसका और थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। तो इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहला तरीका, सेंटर जो ऑन फोल्ड फैब्रिक है वहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके और चारों तरफ से इसमें मार्क करेंगे, कुछ वेट चीज इसमें रख करके। और इसमें हाफ इंच हमने साइड में सिमिलेंस और कहीं सिमिलेंस ऑलरेडी नहीं दे रखे, तो इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। नेक, ये बोर्ड नेक बन रहा है, इसमें हम आप नेक डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, इसको डीप भी कर सकते हो, ब्रॉड भी कर सकते हो। तो अभी हमने इसमें 12 इंच ब्रॉड ले रखा है और 2.5 इंच डीप ले रखा है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसको साइड से कटिंग करके आपको निकाल लेना है। उसके बाद नेक कटिंग कर लेते हैं, सेम पैटर्न फ्रंट और बैक दोनों सेम कट करना है, अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि बैक छोटा होता है तो क्या होता है बैक में खींचने लगता है। तो आप एक ही पैटर्न निकालना और उसमें आपको व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा हुआ है पैटर्न ड्राफ्टिंग का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पैटर्न उसको निकालना है। नेक अगर ये ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है और आपको डीप करना है तो यहाँ से 1 इंच और डीप करके ब्रॉड करना है तो ब्रॉड कर सकते हैं, इस तरह से हम मार्क करके निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने ब्रॉड और डीप और ब्रॉड कर दिया, इस तरह से इसको कट कर लिया। सेम बैक का भी ऐसे ही पैटर्न कट कर लेंगे। बैक में आपको डिज़ाइन राउंड रखना है तो राउंड, अगर बोर्ड नेक रखते हैं तो दोनों को सेम ही रखा जाता है, तो सेम इसी के अकॉर्डिंग इसका भी नेक कट कर लेते हैं। इसको अगर कम करना है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड सेम रखना है। इस तरह से ये हमारा बैक हो गया, ऊपर वाला फ्रंट हो गया। तो आपको बैक और फ्रंट दोनों पर लिखना है। अब हम स्टिच करते हैं, स्टिच करना चलो। हाँ, अब हम इसमें सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे। ये हमारा बैक सीधा ऊपर की साइड रखेंगे और इसमें सीधा अंदर की साइड रखेंगे। तो ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब इसमें हम वन शोल्डर जोड़ लेंगे, ठीक है। वन शोल्डर आपको जितना सिमिलेंस हाफ इंच सिमिलेंस दे करके आपको इसको स्टिच करना है। लॉक स्टिच है, लॉक स्टिच इस तरह से स्टिच करने के बाद ये स्टिच हो गया। वन शोल्डर स्टिच करना, वन शोल्डर पाइपिंग लगाने के बाद स्टिच करेंगे। अब पाइपिंग माने कि इसको 22 में काटना है तो बड़ी लंबी नहीं कटते, तो इसमें हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये डायगनल जो फैब्रिक होता है उसमें हमें कट करना पड़ता है जो ये स्टिचेबल हो। तो इसको जोड़ने के लिए तरीका है इस तरह से इसको रखेंगे, ये वाला पॉइंट इधर और इसका पॉइंट इस साइड, इस तरह से इसको रख करके हमें ज्वाइन करना है। जो लंबे ज्वाइन करने के लिए ये इस तरह से सीधा हो जाता है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे उल्टे साइड से हमें पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग को खींच कर रखना है, 1/4 सिमिलेंस लेकर के आपको पाइपिंग खींच करके रखना है। पाइपिंग इतना खींचना है कि हल्का सा कपड़ा में नम हो, ज़्यादा नम भी ना हो, हल्का सा कपड़ा में नम होना, तभी जब दूसरी तरफ से स्टिच करें तो पाइपिंग राउंड से अच्छे से बैठ जाए। इसको सीम को बैक में गिराना है आपको,
इस तरह से पाइपिंग कच्चा करने के बाद अब इसको हम पक्का करेंगे। अब ये इस तरह से फोल्ड करके पहले ऊपर वाला थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, 1/4 फोल्ड करेंगे। ये आपकी पाइपिंग की चौड़ाई 1.5 इंच काटना है, 1.5 इंच से कम नहीं और 1.5 इंच से ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चौड़ी काटेंगे तो पाइपिंग ज़्यादा चौड़ी बनेगी तो वो गंदी सी दिखेगी, तो आपको 1.5 इंच ही पाइपिंग की चौड़ाई काटनी है। इसको 1/4 फोल्ड करके फिर इस सिलाई को ढकते हुए हमें स्टिच करना है। अब क्या करना है, अब आपको इस कपड़े को खींचना है, पाइपिंग को नहीं खींचना है, सिलाई को ढकते हुए हमें इसको स्टिच करना है और पाइपिंग को बिल्कुल नहीं खींचना है, सिर्फ फैब्रिक को, बॉडी वाले फैब्रिक को खींचना है। इस तरह से पाइपिंग को इक्वल एक बराबर निकलना चाहिए, ये ध्यान रहे, चौड़ी पतली नहीं बननी चाहिए। इस तरह से ये पाइपिंग पक्की होने के बाद अब दूसरी सोल्डर हम जोड़ देंगे, जो फालतू पाइप है इसको काट कर हटा दें। अब यहाँ से ये बराबर करके दूसरी सोल्डर जो उसको स्टिच कर दें। लॉक स्टिच होनी चाहिए, इस तरह से हमारा दोनों शोल्डर जुड़ गया है, इस तरह से ये नेक आएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइड लगाना है, साइड लगा देते हैं उल्टा करके, ये राउंड साइड, इसको भी साइड लगा लें। इसमें हाफ इंच सीम लगते हैं तो हाफ इंच भी स्टिच करेंगे, हाफ इंच सीम लगा लेकर इससे क्रॉप टॉप भी बना सकते हैं और स्मोकिंग करके उसकी लेंथ बढ़ा करके टॉप टाइप को भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये बाजू ओपनिंग हो गया, ये हमारा इसको फोल्ड कर दें। अब इसको फोल्ड कर देंगे, इसमें कुछ नहीं, नीचे बॉटम में शेयरिंग करके डालेंगे तो उसको आप वीडियो बाद में दिखा देंगे किस तरह से शेयरिंग करते हैं। या रुचि मैम आप लोगों को शेयरिंग करने के लिए बॉबिन लास्टिक से दिखाई होंगी, उस तरह से कर सकते हैं। अगर लास्टिक बॉबिन लास्टिक नहीं है तो हाफ इंच चौड़ी या 1 इंच चौड़ी आप लास्टिक लेकर के उसको फोल्ड में स्टिच करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हेम फोल्ड करना है स्लीव पर, दूसरी तरफ फैब्रिक डबल लेकर के इसमें शेयरिंग करना है या तो फोल्ड करके इसी में लास्टिक डाल, क्योंकि शेयरिंग के लिए बॉबिन लास्टिक सबके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसको फोल्ड करके लास्टिक इसमें डाल देना, हाफ इंच चौड़ी इस तरह से फोल्ड करके आप स्टिच करते चले जाए, नीचे से फिनिश हो जाएगा, नीचे से बॉटम फिनिश कर रहे हैं तो इसमें फोल्डेड करके हाफ इंच की चौड़ी लास्टिक इसमें डाल देना, वेस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट से मेजर करके और इसमें शेयरिंग आ जाएगी, थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाएगी।
आपको थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़नी पड़ेगी इलास्टिक डालने के, इलास्टिक इंस्टॉल करके उसके बाद इलास्टिक को टक कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ी देर में इलास्टिक फाइनल करके आपको फोटो खींच करके आपको उसमें वीडियो में डालते हैं।